हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज फाइनली हमारे पास ड्रोन आ चुका है, जो कि है मैविक मिनी। जो सर आए थे ना दिल्ली से, यूनी का ही है, उन्होंने मुझे दे दिया, कह रहे थे यूज कर लेना। तो अब से आपको ड्रोन शॉट भी देखने को मिलेंगे। आज उड़ाएंगे इसको, मैंने सीख भी लिया है किस तरह से उड़ाना है। ये इसका कंट्रोलर और ये छोटा सा ड्रोन है, ये सिर्फ 250 ग्राम का होता है। तो लीगली हम इसको कहीं भी उड़ा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल के टाइम पे यूज कर सकते हैं। हमारे जो घर के ऊपर छत है ना, यहाँ पे उड़ाएंगे, पूरा एरिया दिखाएंगे। उससे पहले मैं अभी गाड़ी चला के आता हूँ, बिकॉज सुबह सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक कम मिलेगा। तो मेन जो रोड है, मेन हाईवे, सब जगह चला के आता हूँ। पीयूष स्कूल गया है तो साहिल और सोनू भैया ही होंगे, उन्हीं को ले जाता हूँ। चलानी उन दोनों में से किसी को नहीं आती, मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, बट देखी जाएगी, आज ले ही जाते हैं। आजकल ना सुबह सुबह इतनी तगड़ी वाली धूप आ रही है, तो मैं यूज़ करूँगा फेस पे सनस्क्रीन, जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। तो यह है वाव का स्किन साइंस SPF सनस्क्रीन। तेज धूप वाले दिन आ चुके हैं, तो ये बहुत जरूरी है स्किन के लिए, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। और इट कंटेन्स एवोकाडो ऑयल, विटामिन ई, कैरेट सीड और भी काफ़ी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। एंड इट प्रोटेक्ट्स स्किन फ्रॉम डिहाइड्रेशन, रिड्यूस रिंकल्स एंड डार्क स्पॉट्स। एंड ये बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है, काफ़ी इजीली ड्राई हो जाता है। एंड इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, पैराबेन, सिलिकन्स, मिनरल, कलर, और ये बिल्कुल वाटर रेजिस्टेंट है। तो इसको बाय करने के लिए सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाय कर सकते हैं। तो आज सुबह सुबह मैं गाड़ी में आ गया हूँ। मैं सोच रहा था यार कि मतलब कब तक डरूंगा मैं, अब मुझे अकेले भी निकल जाना चाहिए। पीछे सोन भैया बैठे हैं, बता देना, इधर से बता देना, इधर वो है ना, साहिल भी आ गया, देख देख उधर देख, ऑटो वाले आ रहे हैं, चलूं? सही है, मोड़ पूरा और मोड़, इतना भी मत कर, भाई मैं बता रहा हूँ, पक्का कहीं ना कहीं मार के आएगा, यहाँ से भी निकल जाएगी। अरे कुछ नहीं भीड़, हाँ यार तभी लोग छोटी गाड़ी लेते, बड़ी पे जाते ही नहीं है। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, अभी हो जाए यार स्टार्ट, अभी तो चला के लाया हूँ यार, स्टार्ट भी की थी सिंपली। तो गाइस बीच रोड पे हमारी गाड़ी बंद हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही मुझसे, और वो भैया मिले थे, उन्होंने बोनट खोल दिया। वाह, खतरनाक वाला पपट हो गया साहिल। तो गाइज हम आधा घंटा वहाँ पे खड़े थे, एक बिल्कुल मेन रोड पे, इधर से भी गाड़ियाँ, इधर से भी गाड़ियाँ, मतलब चार रोड थी वहाँ पे, चार रोड के बीच में चौराहे पे खड़े हम, और गाड़ी बंद हमारी आधे घंटे से। मैं अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, पुलिस वाले आगे पकड़ के ले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट फिर मैंने फोन किया सर को, उन्होंने बताया कि ऐसे कर ऐसे कर, फिर चालू हो गई, और अब मैं फिलहाल हाईवे पे हूँ, दिल्ली हाईवे पे। वैसे चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बताया बंद हो गई, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी, चाबी मतलब शेल्फ नहीं उठा रही थी, बट चलो जो भी है, अब ठीक है, अब चलते हैं। फोन को लगा देता हूँ यहाँ। ठीक है, वाह यार, घर से ले गया, घर से वापस भी आ गया, मजा, मौज कर दी गाइस, मैंने मौज कर दी। ऐसा लगा बिल्कुल ना, मतलब चलाने आते हैं ना, उसने चलाई है। ऐसे ही एक चक्कर शाम को भी मलगा के आऊंगा। जितनी देर में कार चला रहा था, मम्मी जी को अंदर धक 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 हो जाएगी ना कि मैं गया हुआ हूँ। और हरी सब्जी, चावल नहीं है, चावल है, मैं तो चावल ही खाऊंगा। जीजा जी आराम से खाना, पेट भर के, कोई शर्म मत करना, ठीक है क्या? खाना खा के फिर से आ गया हूँ मैं, आदत लग गई अब तो यार। बैक करने में दिक्कत है गाइस थोड़ी बहुत। अरे वो धीरे धीरे आता है यार, पार्किंग से निकालना और वो करना, वो धीरे धीरे आता है, इतनी जल्दी नहीं आता। दिक्कत और कुछ नहीं है, वो दिक्कत कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे आता है। प्रभु प्रभु 10 मिनट बाद बात करता हूँ, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद करता हूँ। हो गई गाड़ी सीधी, हो गई, तू सीधा कर एंड, पहिया देख, सीधा कर ले बाहर, मुंह निकाल के पहिया सीधा कर ले, तू मत देख यार, तू कब, तू कल चले जाएगा, फिर तू अपने हिसाब से कर सब कुछ, बस ठीक है अब मेरे ख्याल से। फिर भी देख ले, रीचेक, लेकिन जहाँ पर तुम्हें ओके लग रहा है वही ओके है, हमारा ओके नहीं है। चलो देख रहे हो गाइस कैसे सिखा रहे हैं, देख रहे हो, आनंद आ गया है, अगले हफ्ते से कहीं भी आ जा सकता है। फिर पीयूष जी मैंने बताया सुबह से दो चक्कर लगा लिए गाड़ी के, अकेले वो भी अकेले, सौदा आ गए हैं बोलू, बाहर जाते हैं सारे बिस्तर में, ओए बैठ नीचे, बैठ और नीचे, तो हमारे यहाँ पे गेस्ट को इस तरह से उठाया जाता है, और ये वो ऊपर को दाते हैं हम अपने गेस्ट के। जिया जी उठ चुके हैं, सोनू भैया उठो, बोलते तो गाइस अब ट्राई करते हैं ड्रोन उड़ाने का। और अभी तो मैं स्टूडियो में उड़ाऊंगा, बिकॉज यहाँ थोड़ा सेफ है, बाहर तभी उड़ाना नहीं आता हमको, तो फर्स्ट टाइम उड़ाएंगे। वैसे मैंने उड़ाना सीखा था उनसे थोड़ा बहुत, उन्होंने बताया था, बट फिर भी ट्राई करते हैं। हमारा नहीं है बट स्टिल हमारे पास तो है, यूज करने के लिए तो है। तू क्या देख रहा है, और डरेगा वैसे इससे? कोई नहीं डरेगा, तो बाहर कर देंगे, नहीं डरेगा वैसे मेरे ख्याल से। ऑन हो गया, ऑन हो गया,
ड्रोन का है, ड्रोन का है, उड़ाओ गुरु को। यहां मम्मी आपके पास रह रहा हूं, ऐसे नहीं उड़ जाओ। अरे ना बेटा ऊपर से चौका हो, ऐसे नहीं करते आराम से। या मैं बैठा हूँ, इसको कितना मस्त व्यू आ रहा है देखो। अब पास लाना हो तो पास भी ला सकते हैं। तो स्टूडियो में तो हमने प्रैक्टिस कर लिया है, अब यहाँ उड़ाते हैं छत पे। ऊपर उड़ाएं, ऊपर उड़ाते हैं, चलो 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 चलो। सो ड्रोन यहाँ पे रख दिया है, यहीं से उड़ाएंगे। तो गाइस अभी मैंने थोड़ा बहुत ड्रोन उड़ाया, थोड़े बहुत शॉट्स लिए जो कि आपने देख ही लिए होंगे। फिलहाल अभी पीयूष उड़ा रहे, पीयूष थोड़ा बहुत सीख रहा है, बिकॉज जब मुझे नियर लेने होंगे जब पीयूष ले लेगा, क्योंकि ट्रैवल के टाइम पे काफ़ी काम आएगा। बिकॉज जैसे कि हम उत्तराखंड जाते हैं ना, तब मज़ा आएगा क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ों में। तो हम जल्दी से प्लान बना रहे हैं ट्रिप का, जो उनसे भी होगा। अरे काफ़ी ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, जैसे रिमोट कंट्रोल कार चलाते हैं ना, वैसे ही होता है। तो अभी हम पीयूष के हाथ पे लैंड कराएंगे। कर, अरे कर कर दे, नीचे कर, ऊपर कहाँ ले जा रहा है, कर कर। अरे होगा, हाथ तो कर कर, उठ नीचे तो कर। अपने ऊपर जा रहा है, सेंसर लगे हुए गले, अपने आप जा रहा है। हां देख नीचे कर, ऊपर जा रहा है, कर कर कर, नहीं जा रहा। अरे नीचे कर, ऊपर जा रहा है। हां तो क्या था, अरे हां तो क्या था यार, सेंसर लगे हुए उसमें, लैंड नहीं हो रहा। ले नीचे कर दे, नीचे कर दे, सारा पोपट हो गया यार, कर दे नीचे कर दे। जब से गाड़ी आई मैं अपनी बाइक के बारे में भूल ही गया हूं, तो अब याद आया कि वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही, इतने टाइम से चलाई भी नहीं है मैंने, तो उसको धुलवा के लाते हैं। कुछ ज़्यादा ही मैली हो गई है ये, कुछ ज़्यादा ही। ये देख, ये भी साफ कर, ये क्या कर रहा है। तो गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी है, ये भी मैली हो रखी है, कल सर्विस कराने जाएंगे इसकी। 1000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, यहीं पर धो देंगे, यहीं पर भाई 2 मिनट लगाएंगे। देखियो पीछे तो अब ये होता है कुछ, इसका ट्रांसमीटर होता है, इसमें सब रिकॉर्ड होता है इसमें। ये क्या बताऊँ यार अब, क्योंकि अगर मान लो मैंने बताया कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, उनको व्लॉग के बारे में नहीं पता होगा, वही तो फिर पूछते रहेंगे। इसे बात बढ़ने से बढ़िया सीधा कह दो कि भाई इसी का कुछ है, या फिर कुछ पर्सनल है, या फिर कुछ भी है। तुझे एक काम कर, बाइक के ऊपर बैठ जा, तू भी नहा लेगा, पैसा वसूल हो जाएगा, इसी बहाने नहा भी लेगा। तो अभी 6:30 हो चुके हैं, कुछ खाने, मुँह देखो, स्माइल देखो, वही साहब ये स्माइल किलर है भाई तेरी, लेकिन कुछ खिलाऊंगा नहीं, टेंशन ना ले। ये उदासी तेरी अच्छी नहीं लगती मुझे, खिलाऊंगा, कर दे स्माइल। ओहो तगड़ी वाली चमकगी, मज़ा आ गया भाई देख के। सुखाने वाला सिस्टम दिख तो नहीं रहा मेरे को यहाँ, अपना पिछवाड़ा गीला करने के लिए रेडी है। कोई बात नहीं, पिछवाड़ा घर जाके बदल लियो, पिछवाड़ा नहीं कपड़े बदल लियो, कपड़े बदल लियो, सॉरी पैंट बदल लियो, हाँ पजामा जो भी है, वाइट हो जी यार, ये फिर गंदी हो जाएगी मिट्टी में, तो यार सुखा के देनी चाहिए यार। अरे हाँ तेरे को तो कुछ खाना था, एक काम करते हैं मैगी का पैकेट ले लेते हैं, एक बड़ा वाला पैकेट लिया, बड़ा वाला अंकल जी, एक मैगी का पैकेट दे दो बड़ा वाला, पिछवाड़ा गीला लग रहा है। हेलो, ऐसे क्यूट क्यूट से बच्चे मिलते हैं यार, इतना अच्छा लगता है। मेरी ऑडियंस ना बच्चे ज़्यादा है, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व कर ली है, मतलब जिस गली में जाता हूँ बच्चे मिलते रहते हैं, क्योंकि पीयूष है ना, और हमारे जो घर की हरकतें होती हैं वो बच्चे बहुत रिलेट करते हैं। ओली क्या कर रही लड़की, शारदा आगे है और भाग जाएगा वो, पकड़ ले उसको। तो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, एंड टाइम भी 11 बज चुके हैं, मेरे को नींद भी आ रही है, तो फिलहाल मैं सोऊंगा ही, अब नींद आएगी उसके आज, सोना तो पड़ेगा ही ना। तो फिलहाल इस व्लॉग को करता हूँ एंड, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर जाना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज मैंने ड्रोन उड़ाया ना, तो पड़ोस में आसपास सब जगह बातें चल रही हैं कि ड्रोन उड़ाया है, पता नहीं लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही चोरी कर लूँगा मैं किसी की छत से। लोगों को पता नहीं क्या ही होता है, चलो कोई बात नहीं, एडिट एडिट मार दूंगा, जो अभी थोड़ा बहुत खुद का ही दिखाऊंगा।